इस वीडियो में हम समझेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फेनोमिन है जिसमें लाइट किसी ऑब्जेक्ट के शार्प एज पे इंसिडेंट होने के बाद बैंड हो जाती है और ऑब्जेक्ट से बनने वाले शेडो एरिया में स्प्रेड होती है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स सच दैट इट स्प्रेड्स आउट And illuminates areas एरियाज a shadow is expected. आइए इस फेनोमिन को डिटेल में समझते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम लाइट पाथ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखे तो हमें उस ऑब्जेक्ट का शेडो बनता हुआ दिखाई देता है लेकिन अगर हम इस ऑब्जेक्ट को किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर दे जिसके कॉर्नर्स शार्प हो तब हम देखते हैं कि जिस एरिया में ऑब्जेक्ट का शेडो बनना चाहिए वहां पे अब लाइट स्प्रेड हो रही है और एक लाइट पैटर्न बना रही है आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लाइट रे स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल करती है और जब ये वेव किसी शार्प एज पे इंसिडेंट होती है तब उस एज पे न्यू वेव फ्रंट बनते हैं जो कि हर डायरेक्शन में स्प्रेड होते हैं जिसके कारण शेडो एरिया में ऑल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में